जबलपुर में अग्निकांड पर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। इसके लिए हर जिले में अस्पताल संचालकों की बैठक लेने के साथ सारे सुरक्षा उपकरणों की जांच की जा रही है। अस्पताल संचालकों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसी तरह की लापरवाही मिलने पर सील करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया है कि ये सारी कार्रवाई एक संयुक्त समिति के जरिए की जाएगी। देखिए इसी पर ये खास रिपोर्ट। जबलपुर अग्निकांड पर सरकार हुई सख्त, अस्पताल संचालकों को किया जा रहा तलब, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, संयुक्त समिति करेगी अस्पतालों की जांच। भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि जबलपुर हादसे के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही मंत्री सारंग ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग को हर तरह की कमियों पर बारीकी से जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जबलपुर सीएमएचओ और नगर निगम के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि आगे से किसी भी तरह के सर्टिफिकेशन मिलने के बाद संयुक्त समिति भौतिक रूप से जांच करेगी। सिर्फ अस्पताल ही नहीं, हर जगह जहां जनता की आवाजाही होती है वहां सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। फायर ऑडिट, इलेक्ट्रिक ऑडिट और स्वास्थ्य विभाग एक साथ मिलकर जांच करेंगे। हादसे के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले भी सरकार की ओर से ये निर्देश थे कि हर तरह की सेफ्टी ऑडिट और सेफ्टी पैरामीटर्स के सर्टिफिकेशन के बाद ही अस्पताल संचालन की अनुमति प्रदाय की जाए, और उसको लेकर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेल्थ विभाग को, नगरीय प्रशासन को, नगरीय प्रशासन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समुचित व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करते हुए ये सुनिश्चित किया गया है कि हर तरह के सेफ्टी ऑडिट हर अस्पताल में लागू हों। जबलपुर की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें सख्ती के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, और इसीलिए जो अस्पताल संचालन है, संचालक हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया, FIR कायम की गई है। हॉस्पिटल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी संचालक और डॉक्टर्स जिनके खिलाफ FIR है उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पूरी सख्ती की जा रही है। जबलपुर के CMHO और फायर ऑडिट जारी करने की जिनको जिम्मेदारी थी, जिनको देखरेख की जिम्मेदारी थे, ऐसे नगरीय नगर निगम के अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। और आगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि अब चाहे फायर ऑडिट का मामला हो, चाहे इलेक्ट्रिक ऑडिट का मामला हो, या सेफ्टी से जुड़े हुए किसी भी सर्टिफिकेशन की बात हो, सर्टिफिकेशन मिलने के बाद संयुक्त रूप से हेल्थ और वहाँ की लोकल सेल बॉडी के अधिकारियों की संयुक्त समिति इस बात की जांच करेगी कि जो सर्टिफिकेट मिला है। आपको बता दें, जबलपुर अग्निकांड में अस्पताल प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तो वहीं जिले के 52 अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराने पर रोक लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।